नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटीज की, जानते हैं रुपये से कि आज कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा साबित हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसे सीड के नवंबर वायदे से। देख रहे हैं कैसे सीड का नवंबर वायदा 6626 पर है, 6630 का हाई लगा चुका है। रुपा जी आज भी देख रहे हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, कैसे सीड का नवंबर वायदा 6600 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। रुपा जी आपको क्या लगता है, क्या अगर 6600 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह में कैसे सीड में 6700 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? अखिलेश देखिए, बिल्कुल उम्मीद है, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और पूरा हफ्ता ही हमने देखा है कि कैस्टर जो है वो एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। इसने जो ऊपरी स्तर छुए उन्हीं पर अभी सस्टेन है। आप देखिए पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि 6600 के ऊपर मार्केट सस्टेन है। इनफैक्ट 6500 आप मान के चलिए कि 6500 के ऊपर कॉन्टिन्यूशन में बाजार बना हुआ है। अब यहाँ से एक रुक गया है मार्केट, लेकिन अभी भी जो है आने वाले दिनों में डिमांड पिकअप हो सकती है जो कि इसको 6800 से लेकर 7000 तक ले जा सकती है। इमीडिएट मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा आज का अगर कारोबार की बात करें तो 6640 6660 ये रेंज आज इंट्राडे में हो सकता है कि देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी सुस्ती देख रहे हैं माहौल है, आगे फिर जो है दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी तो उसके चलते जो वेकेशन देखने को मिलेंगी उसकी वजह से मंडियां बंद रहेंगी और थोड़ा बहुत बाजार सुस्त हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे हैं तो आने वाले दिनों में कैस्टर आप मान के चलिए कि 7000 तक का स्तर दिखा सकता है। तो जो अभी भी अगर ये 6600 के आसपास आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आती है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है जी। ये सर रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल भी आज भी 2570 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी देखते हैं कि बिनौला खल ऊपर में 2570 2575 तक तो जाता है, लेकिन 2580 के ऊपर नहीं जा पाता है, वो लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह में बिनौला खल में इससे ऊपर के लेवल देखने को मिल पाएंगे? क्या 2600 का लेवल नेक्स्ट वीक में संभव है? देखिए बिल्कुल अखिलेश, 2600 का इनफैक्ट मुझे लगता है कि 2700 के टारगेट आप मान के चलिए। नेक्स्ट वीक में तो देखिए थोड़ा सा छुट्टी का माहौल है तो हो सकता है सभी कमोडिटीज में इतनी ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट ना करें हम, लेकिन कुछ एक कमोडिटीज अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं। वहीं अगर बिनौला खल की बात करें, जिस हिसाब से इसमें निचले स्तरों पर खरीदारी आई है, बिल्कुल आप नेक्स्ट वीक को छोड़ के उससे नेक्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर 2700 तक के स्तर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। 2500 को सपोर्ट लेकर इसके अंदर बाइंग में बने रहना चाहिए और मुझे लगता है आज इंट्राडे में भी 2580 हो सकता है 2600 का स्तर देखने को मिल जाए जी। रूपा जी इनसे बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में देख रहे हैं कि आज धनिया और जीरा कुछ एक हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन रूपा जी देखने वाली बात है कि जीरा काफी समय से 8000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और जीरा भी 15000 के ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मसालों में जो हल्दी काफी दिनों से सुस्ती के साथ कारोबार कर रही थी, हल्दी भी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से 7400 के ऊपर सस्टेन होकर चल रही है। रूपा जी ये किस चीज के इंडिकेशन है, क्या नेक्स्ट वीक मसालों में काफी अच्छी तेजी आ पाएगी? देखिए मसालों में त्योहारी सीजन की मांग है और वो हमने देखी है फिजिकल मार्केट में निकलते हुए और इसी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। जीरा वही है, देखिए 15000 के जो ऊपर निकला था 15000 के पास पहुंच चुका है तो मुझे लगता है जीरा वापस उन्हीं स्तरों पर आता हुआ दिखाई देगा। ये त्योहारी सीजन की एक मांग थी जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला। और जो हल्दी है, हल्दी हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि 7500 तक एक बार ऊपर जा सकती है, अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं, 7800 तक के भी स्तर दिखा दे, लेकिन सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है मार्केट का। लगातार हम देखें, हमने पीछे भी देखा था कि गई थी ऊपर 7800 के आसपास बाजार आया, फिर उसके बाद फिर लुढ़का और नीचे में 7100-7200 के भी स्तर देखने को मिले। तो अभी फिलहाल जो है त्योहारी सीजन की मांग के चलते 7600-7650 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि बना रह सकता है मार्केट के अंदर। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया जो है, धनिया भी ऊपर में 8200 से लेकर 8500 की रेंज पकड़ सकता है। 8000 के सपोर्ट को मानकर चलिए, अगर 8000 का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 8200 से लेकर 8500 का स्तर बना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि मसालों में छुटमुट खरीदारी जो है त्योहारी सीजन के चलते बनी रह सकती है, लेकिन लंबी तेजी अभी फिलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही है जी। ये सर रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। काफी ग्वार गम 13400 के ऊपर है और ग्वार सीड 7000 के ऊपर। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में तेजी कायम रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी संभव है? अखिलेश ग्वार में देखिए सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, सीड भी अब 7000 के ऊपर है,
अब यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ग्वार सीड की बात करें तो 7200 का टारगेट आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक में 7200 से 7500 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक छुट्टी का माहौल है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम कि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ उससे नेक्स्ट वीक में आप मान के चलिए कि नए लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे, नए रिकॉर्ड्स छू सकती है ग्वार, क्योंकि जिस तरीके से हम हाजिर बाजारों में खरीदारी देख रहे हैं और इन लेवल्स पर बिकवाल नहीं है, लोग खरीदारी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई बेचना नहीं चाह रहा है। वहीं गम की बात करें तो गम भी 15000 का टारगेट आप मान के चलिए अगले हफ्ते के बाद जो है छुट्टियों के बाद जब बाजार खुलेंगे तो एक नई ऊंचाइयां ग्वार छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो सोयाबीन 5000 तक नीचे में कारोबार करती हुई नजर आ चुकी है, उस सोयाबीन के अंदर अब एक तेजी बनती हुई नजर आई है हल्की, और एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी कुछ दिनों तक तेजी जारी रह सकती है या फिर ये तेजी मंदी में तब्दील हो जाएगी अगले सप्ताह? देखिए अखिलेश, मुझे सोयाबीन में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई देती, ना ही सोयाबीन में ना ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में। मुझे लगता है कि बाजार जो है ये अब ये वाला हफ्ता और मतलब ये वाला आज तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो 5350 के बीच ऑलरेडी बाजार चल रहा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा अगर बाजार उठता भी है तो 5450 तक की वापसी तेजी ले सकता है सोयाबीन। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव दिखाई देता है, मुझे लगता है कि ये 5000 से नीचे जा सकती है, 5000 से लेके 4800 तक नीचे लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है। अभी त्योहारी सीजन है, मांग निकली हुई है, उसके चलते थोड़ा बहुत बाजार ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते मान के चलिए कि मैक्सिमम तेजी 5500 तक देखने को मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो आने वाले दिनों में रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, 5100 से लेकर 5500 ये रेंज फिलहाल बनी रह सकती है। जी नीसी रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट जो फिजिकल मार्केट है कॉटन की, वहाँ पे अब ये उम्मीद लगाई जाने लगी है कि जो कॉटन है उसकी जो कीमतें हैं वो 10-10 हज़ार तक मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है अब कॉटन में कितनी और तेज़ी आने को मिल सकती है, देख पाएंगे वायदा में भी और फिजिकल में भी? देखिए कॉटन की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं मंडियों में 8500 आम भाव जो है कपास का देखने को मिल रहा है, कुछ एक मंडियों में जो अच्छी क्वालिटी की कपास है उसमें 9000 के ऊपर की भी बोली लगी है, लेकिन एक इक्का दुक्का लोट जो है वो बिके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अभी 9000 का लेवल अभी आया नहीं है हाजिर मंडियों में। लेकिन हाँ 8500 का स्तर जो है अमूमन देखने को मिल रहा है हरियाणा और पंजाब की मंडियों में। और वहीं अगर हम फ्यूचर में बात करें, वायदा के अंदर भी हमने देखा MCX पर पहली बार कॉटन 32000 रुपए के ऊपर निकला है और अपने 2011 के हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद लगातार मजबूत हुई है डिमांड, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं अमेरिका में उत्पादन कम रहने के अनुमानों से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉटन को काफी तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वायदा के अंदर 32.5 से 33 हज़ार एक बार लेवल आ सकता है, और वहीं अगर ये सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 35 हज़ार तक भी वायदा में कॉटन जा सकती है। वहीं घरेलू वायदा की बात करें तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि 10 हज़ार का स्तर देखने को कपास में मिल सकता है। जी रूपा जी, आपसे आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन एग्री कमोडिटीज की वो टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर आज मुनाफा कमा के चला जा सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो अभी तो फिलहाल ग्वार के अंदर मूवमेंट है, ग्वार के अंदर बाइंग में रहे और बिनोला खल के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और वहीं एक कपास में भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो 3-4 कमोडिटीज ऐसी हैं जो आने वाले अगले हफ्ते को छोड़कर उससे अगले हफ्ते तक आपको अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार, कपास और बिनोला खल, ये तीन कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आपको अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती हैं। आने वाला कारोबारी सप्ताह में हम देखेंगे कि काफ़ी छुट्टियां हैं, त्योहारी सीज़न है, तो कम्युनिटी बाज़ार में हो सकता है कि थोड़ी हलचल कमी देखने को मिले क्योंकि लोग त्यौहार में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन उससे अगला कारोबारी सप्ताह जो होगा कम्युनिटी में तेज़ी वाला देखने को मिल सकता है। फिलहाल सिलसिला बाज़ार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।